सारे के सारे फिर से आ जाओ वापस से। अब देखो, अब हम तुम्हें लास्ट वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया, तुम्हें पूरा मैंने बताया, वर्डिंग्स बताई कि क्या क्या यूज हो सकता है आगे इन फ्यूचर स्टैट मैक्स में, ठीक है। वर्डिंग्स पे ध्यान रखिए आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, ये हम आपको बार बार कह रहे हैं, इस बात को ध्यान में लेके चलो। अब बात करते हैं अपने एग्जाम्पल की। एज इट इज आपको ये पता है कि पूरे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल्स, अच्छा ये क्या होता है, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है और कुछ नहीं है, ये मैथमेटिकल टूल है, एक सिस्टम को स्टडी करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक मैथमेटिकल टूल है एग्जाम्पल, और अलग से एग्जाम्पल कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अब ये मैथमेटिकल टूल है, अब हमको इसको क्यों लेना पड़ा, बात होनी चाहिए ना, अब हमको इसको क्यों लेना पड़ा। देखो सिंपल सी बात है, हमको सिस्टम को स्टडी करना है, हमको सिस्टम को स्टडी करना है, तो हम सिस्टम को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए, कोई टूल तो होना चाहिए जिससे हम डिफाइन कर पाएंगे किसी सिस्टम को, ठीक है। दैट्स वाई हमने एग्जाम्पल को चूज करा। अच्छा एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल का मतलब अगर मैं एक नॉर्मल भाषा में अगर मैं एक स्टेटमेंट पास करूँ, देन एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आप भी लिखना एग्जाम्पल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्जाम्पल इज ए कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम, लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम, दैट आर मैक्रोस्कोपिकली सेम, बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, ठीक। फिर से सुनो, एग्जाम्पल आपका क्या है, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल टूल विच वी कैन डिफाइन दैट एग्जाम्पल इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम, किसी ओरिजिनल सिस्टम के मेंटल कॉपीज, मतलब जैसे अगर मैं एक मैक्रो स्टेट लूँ, इसके करस्पॉन्डिंग लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगे, इसी की मेंटल कॉपीज को हम बोलते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम दैट आर मैक्रोस्कोपिकली सेम, ठीक है। ये सारे सिस्टम का मैक्रोस्कोप तो एक ही सिस्टम है ना, है माइक्रोस्कोपिकली ये डिफरेंट है ना, बट मैक्रोस्कोपिकली तो ये इसी के पार्ट है ना, इसीलिए कहा गया है दैट आर मैक्रोस्कोपिकली सेम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, ठीक, माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट होता है। अच्छा अब एग्जाम्पल तीन टाइप से डिफाइन होते हैं, जैसे कि आपका पहला होता है माइक्रोकैनोनिकल, ठीक है, सेकेंड आपका होता है कैनोनिकल, थर्ड आपका होता है ग्रैंड कैनोनिकल। इसमें होता क्या है, इसमें जब आप सिस्टम को पढ़ते हो तो आप वैसा सिस्टम लेके चलते हो जिसमें से कि नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और उसकी एनर्जी कांस्टेंट हो, ठीक। इसमें आप लेके चलते हो नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो, इसमें आप लेके चलते हो केमिकल पोटेंशियल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट हो। जैसे मान लो ये मैंने एक माइक्रोस्कोप लिया, ठीक है, अब मुझे इसके बारे में स्टडी करनी है, अगर इस सारे माइक्रोस्कोप्स के सिस्टम, अगर मान लो इतना माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बना है, वैसे चार होते नहीं है, बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, बट लेट अस सपोज कि हमारे पास चार माइक्रोस्कोपिकली सिस्टम है, ठीक है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, कॉमन क्या है, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सब में सेम है, इसका वॉल्यूम सबका सेम है, इसका एनर्जी सबका सेम है, तो ये आपका क्या होगा, इसको आप बोलोगे कि ये तो भैया माइक्रोकैनोनिकल एग्जाम्पल है,
ये माइक्रोकैनोनिकल एंजाइम है, ठीक। अच्छा, अगर इसमें आपका नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कांस्टेंट होता, सब में कांस्टेंट होता, तो ये आपका कैनोनिकल एग्जाम्पल में कहलाता, ठीक। अगर सब डिफरेंट होता तो ये आपका ग्रैंड कैनोनिकल में कहलाता। अच्छा, अब हुआ क्या है, होता ऐसा है कि ये ना तीनों एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे एग्जाम्पल तो अपने आप एक मैथमेटिकल टूल है, ठीक है, उसके अंडर ये तीनों भी आते हैं। मतलब हम एक सिस्टम को ना इन तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो किसी सिस्टम का नंबर ऑफ वॉल्यूम और मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी कॉन्स्टेंट है, उसको हम माइक्रोकैनोनिकली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब माइक्रोकैनोनिकली सॉल्व करने का मतलब क्या है, आपको तीनों में ना एक एक इक्वेशन मिलता है जो कि लीडिंग वेरिएबल होता है। जैसे कि अगर आप इसको पढ़ोगे ना, आगे तक जब पढ़ोगे, तो माइक्रोकैनोनिकल का होता है एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा, जिसमें से कि आपका एंट्रोपी ना एक लीडिंग वेरिएबल होता है, ठीक। अच्छा, अगर आप दूसरे के लिए पढ़ोगे, कैनोनिकल के लिए, तो मुझे लगता है कैनोनिकल के लिए होता है ए इज इक्वल टू माइनस के टी एलन ओमेगा, ठीक। ये आपके उसके लिए होता है, और बाकी इसके लिए होता है फाइ इज इक्वल टू माइनस के टी एलन ओमेगा। नहीं, यहाँ पे ओमेगा नहीं होता, यहाँ पे होता है जेड, नंबर ऑफ पार्टीशन फंक्शन। वो पार्टीशन फंक्शन अलग तरीके से निकाला जाता है, वो इससे नहीं निकलता है, और यहाँ पे भी ओमेगा नहीं, यहाँ पे होता है क्यू, जो आपका नंबर ऑफ पार्टीशन फंक्शन होता है, जो आप कैनोनिकल में निकालते हो, ठीक। अच्छा, अब मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये तीनों इक्वेशंस को मैंने मेन क्यों रखा है, मैंने मेन इसलिए रखा है, देखो हम बेसिकली काम ये करते हैं, हमने किसी सिस्टम को उठाया, जब उसमें ये तीनों कॉन्स्टेंट, इसका मतलब वो माइक्रोकैनोनिकल एग्जाम्पल को फॉलो कर रहा है। माइक्रोकैनोनिकल एग्जाम्पल का एक लीडिंग इक्वेशन होगा, जो कि ये मैंने आपको बोला कि उसका एक लीडिंग इक्वेशन होता है एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा, मतलब एंट्रोपी इज इक्वल टू के लॉग मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ द सिस्टम, ठीक। अच्छा, इससे क्या करते हो, आपके पास दो मशीन गन होते होंगे, इसको मैंने हमेशा मशीन गन कहते हैं, थर्मोडायनेमिक का आपका इक्वेशन होता है, जो कि आपका लॉ भी होता है, आपने पढ़ा होगा ना, डी यू इज इक्वल टू डी थीटा, दैट इज पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक, ये पढ़ा है आपने, ठीक। ये आपके यहाँ पे एक मतलब इसको बोल सकते हो कि ये आपका पहला मशीन गन हुआ, जिससे आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब एक और बात समझो, एक मिनट, मेरे पास ना कहीं दूसरा भी लिखा हुआ होना चाहिए, मशीन गन तो मैंने दोनों लिख रखे थे, एक मिनट दो भाई मेरे को ज़रा। ये आपका होता है यहाँ पर, हाँ ये आपका होता है यहाँ पे टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस म्यू डी एम, ये इक्वल होता है डी थीटा के, ठीक है। पहले तो आपका ये होता है, सेकंड आपका होता है जी, दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी, ये होगा आपका जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी एस, ये दोनों आपका थर्मोडायनेमिक का मेन इक्वेशन है, जो कि जो आपके याद है मैक्सवेल के चार इक्वेशंस लिखे जाते हैं, वो चार इक्वेशन भी इन्हीं दोनों से निकलते हैं। ये आपके पता है, ये दोनों आपके पूरे थर्मोडायनेमिक की जान है, बस इसीलिए मैंने इसको बोला मशीन गन, मतलब ये इसको मैं बोलूँ एच वन, इसको मैं बोलूँ एच टू, यही दोनों पूरा काम आएगा। अच्छा, होता क्या है, जो आपका इक्वेशन होता है ना, मान लो एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा है, ठीक। अच्छा, इसमें तुमको एस कहाँ दिख रहा है, एस तुमको यहाँ दिख रहा है, ठीक, इसका मतलब तुम इस वाले इक्वेशन को उठाओ, फिर तुम इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब तुम जब इसको डिफरेंशिएट करोगे, तुम इसको तोड़ोगे मोड़ोगे, तब तुमको यहाँ पर डिफरेंशिएट करके तुमको कहीं ना कहीं तुमको एक एस की वैल्यू निकलेगी, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ना, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है,
प्रेशर भी है। इसका मतलब जो तुम्हारी एस की वैल्यू निकलेगी वो इन सब फॉर्म्स में क्या नहीं निकलेगी, निकलेगी ना, तो तुम इससे तुम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, तुम किसी भी सिस्टम का तुम इससे तुम निकाल सकते हो, तुम इससे डिफाइन कर सकते हो। अच्छा, मुझे एक और बात बतानी थी, ये आपका होता है यू प्लस पी वी, ये होता है एच, हेलमोन्स फ्री एनर्जी, ठीक है, और एक यू माइनस टी वी होता है, वो आपका होता है ए, यहाँ लिख दूँ नीचे, यू प्लस पी वी होता है हेलमोन्स फ्री एनर्जी और आपका एक मिनट, नहीं, हेलमोन्स फ्री एनर्जी नहीं, यू प्लस पी वी आपको कहलाता है एंथैल्पी, ठीक। अच्छा, और ये जो आपका होता है यू माइनस टी एस, ये आपका होता है ए, दैट इज हेलमोन्स फ्री एनर्जी। ये आपका होता है हेलमोन्स फ्री एनर्जी, ठीक है, इससे आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हो। अच्छा, अब राइट नाउ आपके साथ लेक्चर्स में क्या होने वाला है, हम बहुत पूरा सॉल्व नहीं करेंगे इन दोनों को लेकर के, इसका इससे आप प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, ये सब आप निकाल सकते हो, बट हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे गेट के प्रोस्पेक्टस से, ये सब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब CSIR के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जब हम आपको CSIR वाले बैच में जब जाएंगे ना, तो उसमें फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, बट फिलहाल गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से या जस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इसका डेरिवेशन एंड ऑल इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिकली ये इक्वेशंस वगैरह ध्यान होने चाहिए, बस इतना सफिशिएंट है, बाकी ये पूरा निकालना ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अच्छा, अब इनके 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 बारे में बात कर ले, तीनों एग्जांपल्स के बारे में बात कर ले, फिर उसके बाद एक एक करके एक एक एग्जांपल को पढ़ेंगे, ठीक। अब इन तीनों एग्जांपल को पढ़ने के लिए ना एक साथ ही थोड़ा देख लेते हैं, इतना अलग अलग क्या जाना है ना, एक साथ ही देख लेते हैं थोड़ा, देखो टेबल बना के करते हैं ताकि तुम लोगों को थोड़ा सा याद रहे ये चीजें कि क्या है क्या नहीं। देखो, अगर मैं एक सॉरी ये भी टेबल बनाते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं ले लूँ माइक्रोकैनोनिकल, ठीक, एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन करो, यहाँ पे ले लो कैनोनिकल, आप लोग भी ना ऐसी टेबल बना के लिख लेना, तो बहुत ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, एक कॉन्साइज फॉर्म में हो जाएगा, यहाँ पे ग्रैंड कैनोनिकल, ठीक, यहाँ पे ग्रैंड कैनोनिकल एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, सेम डेफिनेशन तो पहले तीनों में जाएगा, इट इज द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम, दैट इज लार्ज नंबर ऑफ मेंटल कॉपीज ऑफ ओरिजिनल सिस्टम दैट आर मैक्रोस्कोपिकली सेम बट माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट, ठीक है, ये डेफिनेशन तो तीनों में जाएगी। अच्छा, अब इसमें क्या कॉन्स्टेंट होता है, इसमें कॉन्स्टेंट होता है नंबर ऑफ वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी, ये कॉन्सेप्ट होता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे एक एक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और टेम्परेचर कॉन्सेप्ट होता है। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा पोटेंशियल एनर्जी, वॉल्यूम और टेम्परेचर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अगर किसी सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्सेप्ट, मान लो तुम्हें यहाँ पे अगर सिस्टम को लेके चलते हैं, अगर इसका मैं बोलूं कि इसका नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, ठीक, अगर मैं बोलूं कि इसका नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल का कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, नंबर ऑफ पार्टिकल के कांस्टेंट होने का मतलब हम ये बोले कि इसके वॉल्स बहुत थिक है, इसके वॉल्स बहुत थिक है, इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा है, वो यहीं का यहीं रह रहा है, इसका मतलब इसके वॉल्स क्या होंगे, इम्परमिएबल होंगे, ठीक, समझ में आ रहा है।
अच्छा अब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, जब इसका वॉल्यूम कांस्टेंट होता है इसका मतलब इसको हम ना खींच सकते हैं ना श्रिंक कर सकते हैं। सिस्टम जितना बड़ा है उतना ही बड़ा रहेगा, ना वो बड़ा होगा ना वो छोटा होगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम कांस्टेंट ही रहता है। जब उसके वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम कांस्टेंट होने के बाद अगर मैं ये बोलूं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या ये रिजिड वॉल नहीं होगा? अब देखो इसका एनर्जी कांस्टेंट है, अगर इसकी एनर्जी कांस्टेंट है इसका मतलब ना ये इधर दे रहा है अपनी एनर्जी ना कुछ इसमें चेंज हो रहा है, ये जैसे का तैसा एनर्जी कांस्टेंट बना हुआ है। जब इसका एनर्जी कांस्टेंट एज इट इज बना हुआ है, इसमें एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो क्या ये एडियाबेटिक होगा? अगर ये यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है हीट का, तो यहाँ पे इसके वॉल्स एडियाबेटिक होंगे, एडियाबेटिक वॉल्स होंगे, ठीक है। अच्छा जब ये तीनों चीज होगा इसका मतलब क्या ये आइसोलेटेड सिस्टम होगा? आजकल तो आइसोलेशन का मतलब तो मुझे लगता है पूरी दुनिया जान रही है COVID-19 की वजह से है। आइसोलेशन का मतलब समझ रहे हो ना आप, चुपचाप से इसी में रहेगा, ना ये बाहर जाएगा ना बाहर से आएगा, ना कोई बाहर वाला इससे कांटेक्ट कर सकता है, ये जैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक। ये हो गया इसका आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा अब कैनोनिकल के बारे में बात करते हैं। मान लो यहाँ पे एक सिस्टम हम इसके लिए भी लेके चले, ठीक। अगर इसका नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट है तो इसका वॉल क्या होगा? इम्परमिएबल होंगे वॉल्स, ठीक, इम्परमिएबल होगा। अगर इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है तो क्या ये रिजिड वॉल होंगे? अगर अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनो, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट को हम कहते हैं डायथर्मिक फोर्स। अब मेरी बात थोड़ा सा ना ध्यान से सुनो, किसी भी सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट करने के लिए यहाँ पे एक हीट रिजर्वायर का इस्तेमाल करा जाता है, हीट रिजर्वायर का यूज करा जाता है। हीट रिजर्वायर क्या होता है? यहाँ पे एक चैम्बर बनाया जाता है, ठीक। यहाँ पे कंटिन्यू हीट फ्लो हो रही होती है सेम टेम्परेचर पे, ठीक। ये इसको हीट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है, सिस्टम को। इस वजह से इसके टेम्परेचर में कोई इसका हीट कॉन्स्टेंटली बना रहता है, इसका हीट कॉन्स्टेंटली बना है, इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली वैसा का वैसा बना रहता है, यहाँ पे कोई दिक्कत इसको नहीं होती है, ठीक। इसी को कहते हैं हीट रिजर्वायर, ठीक है। तो ये जो आपने यहाँ पे लगाया है ना, ये आपका है हीट रिजर्वायर, इसकी वजह से आपके सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक आपका है डायथर्मिक वॉल, ठीक है। अगर अब मैं दूसरी बात करूं, अगर ये डायथर्मिक वॉल है, रिजिड वॉल है, इम्परमिएबल वॉल है, तो अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं तो ये क्या हो गया आपका? क्लोज्ड सिस्टम नहीं हुआ क्या? ये क्लोज्ड सिस्टम नहीं हुआ? हुआ ना। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे तुमको एक सिस्टम लेके चलो, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा? रिजिड वॉल, ठीक। टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब डायथर्मिक होगा। हीट रिजर्वायर का यहाँ पे यूज हो रहा होगा, डायथर्मिक वॉल होगी, इसका मतलब हीट रिजर्वायर का वहां पे यूज हो रहा होगा। अब वहां पे म्यू कॉन्स्टेंट है, म्यू कॉन्स्टेंट मतलब पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे एन कॉन्स्टेंट नहीं है, जिसका पोटेंशियल एनर्जी कॉन्स्टेंट है इसका मतलब वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल कॉन्स्टेंट नहीं है। जब नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं है इसका मतलब ये यहाँ से एक्सचेंज कर सकते हैं, इसका मतलब सिस्टम से नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज कर सकते हैं इन्वायरमेंट में, देन आपका म्यू कांस्टेंट होने की वजह से ये परमिएबल वॉल नहीं बना, ये परमिएबल वॉल नहीं बना, ठीक। जैसे कि यहां पे एक आप लगाते हो ना हीट
रिजर्वायर इसका हीट मेंटेन करने के लिए, इसका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे सिस्टम में हीट रिजर्वायर तो लगाते ही लगाते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे आप एक ना पार्टिकल रिजर्वायर भी लगाई जाती है ताकि ये अपना यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन किया रहे पूरा, ठीक। यहाँ पे दोनों का यूज होता है। अच्छा, जब यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज हो रहे हैं, सब हो रहा है, तो क्या ये ओपन सिस्टम हुआ? क्या ये ओपन सिस्टम हुआ? ठीक है, तीनों के बारे में समझ लो, ध्यान से देख लो, चीजें तुम लोग को आनी चाहिए कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, ठीक, समझ रहे हो सारे के सारे। अब मैं फटाफट से रब करूँ। अब हम एक एक कुली करके बात करते हैं। पहले माइक्रो कैनोनिकल पे बात करते हैं, फिर कैनोनिकल पे, फिर ग्रैंड कैनोनिकल पे आएंगे, ठीक है? देख, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एक पहला लेके चलते हैं, यहाँ पे माइक्रो कैनोनिकल, होता क्या है भैया ये? तुमको अभी मैंने बताया यहाँ पे नंबर ऑफ वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम और एनर्जी कांस्टेंट होगा, ठीक, विच इज कांस्टेंट होगी इसमें। अच्छा, पहले तो तुम लोग एक चीज समझो, इसका लीडिंग वेरिएबल क्या है? जो तुमको मैंने लिखवाया था एस इज इक्वल टू की एन ओमेगा, ये इसका लीडिंग इक्वेशन है, ठीक है। मतलब एंट्रोपी इज इक्वल टू के लॉग ओमेगा, इसका मतलब आपको ओमेगा निकालना आना चाहिए पहले तो, ठीक। अच्छा, अब आप सबसे पहले ओमेगा का फॉर्मूला थोड़ा सा याद कर जाइए, क्योंकि ये आपको हर जगह यूज पड़ेगा। ओमेगा जब ये आपका क्या मैं बोलूँ, जब मैक्सिमल बोल्ट्जमान होगा, इसका मतलब जब क्लासिकल पार्टिकल होंगे, जब क्लासिकल पार्टिकल्स होंगे तो मतलब वहां पे एमवी स्टैट्स लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे ये होगा जी आई की पावर एन आई, जी आई की पावर एन आई, यही होता है ना, आई थिंक होना तो यही चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी आई की पावर एन आई, ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे क्वांटम पार्टिकल्स हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो होंगे, या तो एफ डी लगेगा या तो बी लगेगा। अगर यहाँ पे एफ डी होगा, जिसका इंटीग्रल हाफ ऑड इंटीग्रल स्पिन होंगे जिन पार्टिकल्स के, तो यहाँ पे आप ओमेगा कैलकुलेट करोगे जी आई सी एन आई से, ठीक है। ये इसको सॉल्व कर लोगे आप, जी आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस एन आई फैक्टोरियल, ठीक है। अगर यहाँ पे मतलब इंटीग्रल स्पिन्स होंगे, इसका मतलब यहाँ बोस आइंस्टीन स्टैटिस लगेगा, इसका ओमेगा निकालने के लिए आपका हो जाता है एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक। ये तीन फॉर्मूले भाई रट जाओ, इसके बिना काम नहीं चलेगा, सिंपल भाषा में, ठीक है। अब देखो, इसका मतलब आप अगर ओमेगा निकालने जाओगे तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख करके आप एंट्रोपी नहीं निकालने जाओगे इजीली तरीके से। हाँ, आप खुद सोचो, जब आप वहाँ पे ओमेगा निकालने जाओगे तो वहाँ पे ओमेगा रख करके क्या आप एंट्रोपी फाइंड आउट कर ले जाओगे, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और सुनो भाई, जब आप एंट्रोपी फाइंड आउट कर ले जाओगे तो कैसे मैं बताऊँ तुम लोग को, एक होता है ना मैग्नेटिक स्पिन, मतलब अगर मैं बोलूँ कि कहीं पे कोई एक स्पिन है, ठीक है, उस माइक्रो स्टेट में कहीं कोई कोई पार्टिकल, इसका अपना एक स्पिन है, उस स्पिन में वो कितना ओरिएंटेट करेगा, कितना वो घूमेगा, इसको भी तो आपको निकालना पड़ेगा। जब आपको पता ही नहीं कि वो पार्टिकल किस तरीके से घूम रहा है, तो आप किस तरीके से करोगे कैलकुलेट, है? क्योंकि वहां पर तो दिया रहेगा ना कि कितने पार्टिकल कितने नंबर ऑफ एनर्जी लेवल में डिफाइन होंगे। पहले बात तो सुनो, पार्टिकल
एनर्जी लेवल्स में डिफाइन होते हैं और विथ डीजेनरेसी जी। डीजेनरेसी क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पे दो, अगर इसकी डीजेनरेसी, इसका मतलब यहाँ पार्टिकल दो तरीके से डिफाइन हुए होंगे। अगर इसकी 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 डीजेनरेसी तीन है, इसका मतलब यहाँ पे पार्टिकल तीन तरीके से डिफाइन हुए होंगे। ठीक, ये होती डी डी ये होती है डीजेनरेसी, ये होता है इसका एनर्जी लेवल। ठीक है, अच्छा अभी हम आपको क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे यार, हम तो भूल गए। हाँ, अभी हमको ये बता रहे थे कोई पार्टिकल है उसका अपना एक स्पिन होगा, अपना एक स्पिन होगा तो वो अपने तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, रोटेट करेगा मतलब वो ओरिएंटेशंस ले सकता है। इसका मतलब अगर एक मैं नॉर्मल फॉर्म में बोलूँ तो ओमेगा मतलब क्या होता है, वो कितना स्पिन, कोई कितना ले सकता है। स्पिन आपका हमेशा एस से डिफाइन होता है। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2s + 1 की पावर एन कहा जाता है, जिसमें कि एन आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं और एस आपका स्पिन होता है। ठीक, ये भी कहा जाता है। अगर कहीं क्वेश्चन में पढ़ा हो, आपको कोई भी पार्टिकल दिया हो, जैसे देखो अगर कहीं किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हो कि वहाँ पर क्लासिकल पार्टिकल है तो आप ऐसे निकाल दोगे, अगर कहीं पे फर्मिटर आपको इलेक्ट्रॉन दिया हो तो आप ऐसे निकाल दोगे, कहीं फोटोन दिया हो तो आप ऐसे निकाल दोगे। मगर कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहाँ पे दिया ही नहीं होता है कि पार्टिकल क्या है। जब आपको यही नहीं पता कि पार्टिकल क्लासिकल है या क्वांटम है तो आप इसका कैसे निकालोगे माइक्रोस्टेट, तो वहाँ पे आप ऐसे निकालोगे, क्योंकि जहाँ पे पार्टिकल का नाम नहीं दिया होगा, जहाँ पे उसको कुछ नहीं दिया होगा, वहाँ पे उसका स्पिन दिया होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे आपको मेंशन करेगा, तो वहाँ पे इस तरीके से आप उसका ओमेगा निकालोगे। जहाँ पे कुछ नहीं दिया है, मान लो पार्टिकल के बारे में कुछ भी नहीं डिफाइन करा है, मगर आपको एंट्रोपी निकालनी है, वहाँ पे आप ओमेगा की वैल्यू यहाँ ये रखोगे डायरेक्ट। अगर मान लो कोई क्वेश्चन है आपके पास जिसमें कि आपको पार्टिकल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप ओमेगा की वैल्यू ये रखोगे कैसे, एस इज इक्वल टू के एन एन 2s + 1 की पावर n, मतलब n k ln 2s + 1 ये होगी आपकी एंट्रोपी। इस तरीके से आप आगे इस चीज को कंटिन्यू कर लोगे, इसको लेकर के चलोगे। ठीक, अच्छा आप दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, आपके क्वेश्चन दो 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 तरीके से डिफाइन हो सकते हैं। जैसे मान लो कि एक पहला टाइप तो आपका ये हो सकता है कि कोई एक सिस्टम है जिसमें इसके बहुत ढेर सारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें से कुछ पार्टिकल्स आपको उठा करके दूसरे सिस्टम में डालना है। ठीक, अब आप इस सिस्टम का माइक्रोस्टेट, अब आप इस सिस्टम का माइक्रोस्टेट बताओ। फिर से मेरी बात सुनो, जैसे कि आपके पास इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें मान लो एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, इसमें से पी पार्टिकल या फिर ए पार्टिकल निकाल करके आप इस सिस्टम में डालना है। ठीक है, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, यहाँ पे जो आपका बनेगा वो आपका ओमेगा, जो कि आपका बनेगा वो होगा एन सी ए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपका ओमेगा इस तरीके से बनेगा। ये पहला टाइप है क्वेश्चन का। सेकेंड टाइप सुनो, कोई सिस्टम है, ठीक, यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल है, मान लो यहाँ पे एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे मान लो कैपिटल एन लेते हैं, फर्स्ट वाला कैपिटल एन लेते हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ठीक, आपको क्या करना है, इन पार्टिकल्स में से आपको कोई, इन पार्टिकल्स में से लेट अस सपोज कि आपको कोई भी आर पार्टिकल्स निकालने हैं, कोई भी आपको यहाँ से आर पार्टिकल निकालने हैं और उसको आपको अलग सिस्टम में एम प्लेस पे रखना है, एम प्लेस पे रखना है। सपोज दैट क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है आपको और आपको उसने दिया है यहाँ पे कि आपके पास कोई सिस्टम है जिसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें से आप आर नंबर ऑफ पार्टिकल को बाहर निकालिए और उसको आप एम प्लेस, आप उसको अलग सिस्टम में एम प्लेसेस पे रखिए। उसके लिए आप वहाँ पे क्या करोगे, डायरेक्ट आपके पास होगा, देखो पहले यहाँ से इसको निकालो, इसको इससे निकालने के लिए क्या बनेगा तुम्हारा ओमेगा जो बनेगा, तुमको इसको इससे निकालने के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे
एनसीआर हो जाएगा, ठीक है। अब आर पार्टिकल को एम प्लेसेस पे प्लेस करना है, जब आर पार्टिकल को एम प्लेसेस पे प्लेस करना है तो प्लेसेस पे प्लेस करना है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एम सी आर, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारा ये इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन, इस तरीके से तुम्हारा वो मेगा निकल आएगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, थोड़ा सा इसको बॉक्स अप करके चलिए जहाँ पे भी आप लिख रहे हो। ये दोनों ही टाइप्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जब आप वाई के लिए वगैरह करने जाओगे या सीनी के बुक से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे ऐसे आपको को कंडीशंस आए होंगे वो मेगा निकालने के लिए। एक बात और सुनो मेरी, जो इंसान वाई के लिए और सीनी सॉल्व कर रहा है वो ध्यान रखे सल्यूशन पे मत जाओ तुम लोग। सल्यूशन वहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, थोड़ा सा खींच खींच के लिखा हुआ है और तुम लोग ना सल्यूशन पे मत जाओ बिल्कुल। तुम लोगों ने जो पढ़ा है, जो तुमको आता है, तुम उस पर फोकस करो चुपचाप से, ठीक है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, उसको आप अपने लैंग्वेज में करने की कोशिश, आप अपने लैंग्वेज को करने की कोशिश करिए, ठीक। थोड़ा सा आप मेहनत करिए, आप उसको अपने लैंग्वेज में करने की कोशिश करिए। नहीं आता है हम बताएंगे, बट सोल्यूशन को देख देख करके मत करो पढ़ना, वहाँ पे दिमाग आपका कन्फ्यूज हो जाएगा, ये श्योर है, ठीक। ये दोनों टाइप आपके इंपॉर्टेंट है, राइट इट क्लियर, आप कहीं पर भी इसको लिख लो। अच्छा, ये तो तरीका हो गया आपका वो मेगा निकालने का। पूरे माइक्रो कैनोनिकल में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ या तो क्वेश्चन में वो मेगा निकलवाएगा या तो क्वेश्चन में आपको एंट्रोपी निकलवाएगा। वो मेगा या एंट्रोपी दोनों ही कंडीशन में आप समझ गए ना किस तरीके से निकालते हैं, ठीक। बस यही आपको यूज़ करेगा, चाहे इसमें चाहे इसमें, और कुछ नहीं करेगा पूरे माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल में। अब ये तो हो गया है, अब मुझे लगता है तुम लोग थोड़ा सा कोई नोट कर लो, अगर किसी को नोट करना हो तो अपने हिसाब से। देखो कोई एग्जाम्पल बता दूं क्या मैं, हाँ इन तीनों के लिए तुम समझ जाओगे। बता ही देते हैं यार, थोड़ा सा थोड़ा टाइम लगेगा बट ठीक है, इट्स ओके, अच्छे से पढ़ना चाहिए, टाइम लगेगा तो क्या होगा। देखो अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारे पास कोई कोई क्वेश्चन है जिसमें से कि तुम्हारे पास क्लासिकल पार्टिकल दिए हुए हैं, आपको क्लासिकल 10 पार्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है, 10 आपके क्लासिकल पार्टिकल हैं, ये आपके 4 इसकी डीजनरेसी है, ठीक। अब इसका माइक्रो स्टेट क्या होगा, क्लासिकल पार्टिकल है, क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, एम बी लगेगा, इसका मतलब ये यहाँ पे अप्लाई होगा, दैट इज जी आई के पावर एन आई, मतलब जी आई क्या होगा आपका, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, पावर नंबर ऑफ पार्टिकल 10, ठीक, दैट इज हियर। अच्छा अगर यहीं पे मैं बदल दूँ इसको और यहाँ पे मैं लिख दूँ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होती है, हाफ, इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा फर्मिटेला, इसका मतलब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, सेम चीज़ का, ये एम बी में डिफाइन है, ठीक। यहाँ पे अगर हम इसको एम टी में डिफाइन करें तो वो मेगा आपका किस तरीके से निकलेगा, सेम कंडीशन में जी आई सी एन आई होता है, तो ये क्या कह सकते हैं इसको हम, यहाँ पे 4C10 कह सकते हैं, इसका मतलब 4 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 10 का फैक्टोरियल, ठीक। सेम कंडीशन पे अगर मैं यहाँ पे फोटोन की बात करूँ, अगर यहाँ पे मैं फोटोन की बात करूँ तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जो ओमेगा निकलेगा वो ओमेगा कैसे निकलेगा, एन आई प्लस जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन आई फैक्टोरियल इंटू जी आई माइनस वन का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे निकलेगा एन आई आपका 10 प्लस 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन 10 का फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब यहाँ पे 13 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आपका वो ओमेगा निकल आएगा, ठीक है। अब ओमेगा निकलने का मतलब है कि आपके उस पर्टिकुलर स्टेट में इतने तरीके से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं,
वो ओमेगा क्या दिखाता है कि पार्टिकल कितने वे में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अगर आपका कहीं पे वो ओमेगा इज इक्वल टू 6 आता है, इसका मतलब इस सिस्टम में आपका 6 तरह से पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, ठीक है, 6 तरीके से पार्टिकल वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे। अभी आप क्वेश्चंस करोगे आगे तो फर्दर आपको मिलता चला जाएगा, ठीक। ये आपके हो गए इस पे। अब आपका कुछ नहीं बचा है, अब आप चुपचाप से प्रॉब्लम सॉल्व करो और सॉल्व करके मुझे बताओ कहाँ अटक रहे हो कहाँ नहीं अटक रहे, फिर आपको अपने आप ही हम बताते हैं कि आगे क्या करना है, कैसे चलना है, ठीक। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं हम जैसे इस पे बेस्ड, राइट नाउ मैं कर दूँ कुछ, एक कोई क्वेश्चन मुझे मिल जाए। हाँ देखो लाओ एक क्वेश्चन कर देते हैं तुम लोगों के लिए, ठीक है। माइक्रोइकोनॉमिकल एग्जाम्पल करेंगे, हम एक क्वेश्चन कर देते हैं। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, कंसीडर ए सिस्टम, कंसीडर ए सिस्टम सिस्टम कंपोज्ड ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक, लार्ज नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स, लार्ज नंबर ऑफ एन पार्टिकल्स दैट आर डिस्टिंग्विशेबल, दैट आर डिस्टिंग्विशेबल एटम्स, नॉन मूविंग एंड म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिव, एंड म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिव, ठीक, म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिव, ईच ऑफ विच हैज ओनली 2 एनर्जी लेवल, ईच ऑफ विच हैज ओनली 2 एनर्जी लेवल, 2 एनर्जी लेवल्स दैट इज 0 एंड ई एप्साइलन। मान लो इसके 2 एनर्जी लेवल हैं, ठीक है भाई, मान लिया। फाइंड द एंट्रोपी, फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। इसी क्वेश्चन में हिंट करके दिया है, लेट ई बाई एन बी मीन एनर्जी, मीन एनर्जी पर एटम, जिसमें से कि एन टेंस टू इन्फिनिटी है, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे ये अप्लाई हुआ है, जिसमें से कि एन टेंस टू इन्फिनिट, ठीक। ये भैया आपका क्वेश्चन है, अब मेरी बात फिर से सुनो। कंसीडर ए सिस्टम कंपोज ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एन पार्टिकल, जाहिर सी बात है स्टेट मैक है, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल के बारे में बात हो रही है, ठीक है, दैट आर डिस्टिंग्विशेबल एटम। डिस्टिंग्विशेबल का वर्ड आया है, इसका मतलब यहाँ पे क्लासिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है। मूविंग एंड म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिंग, एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, जब वो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, जिसमें म्यूचुअली इंटरैक्टिंग नहीं है, इसका मतलब वहाँ पे डिस्टिंग्विशेबिलिटी हो रही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे पार्टिकल को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मीमिंग कर पा रहे हैं, ठीक है, वो म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिंग है। ईच ऑफ विच हैज ओनली 2 एनर्जी लेवल, या तो उसके 0 है या तो उसका ई है, एप्सिलॉन है, उसके 2 ही एनर्जी लेवल है, ठीक। अब फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अब आपको सिस्टम की एंट्रोपी निकालनी, सिस्टम का एंट्रोपी कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू के एल एन ओमेगा, अगर हमारा ओमेगा निकल जाए तो काम मिल जाएगा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो भाई दिया नहीं है, अब इसमें डिजेनरेसी नहीं दी हुई है, तो अब आप मुझे बोलोगे कि भाई कैसे निकलेगा, ये भी दिक्कत,
है कि नहीं? देखो अब अगर मैं तुमसे एक छोटी सी बात करूं राइट नाउ, अगर मैं तुमसे एक छोटा सा लेटर मतलब सपोज करूं, तुम इस वक्त की जैसे तुम्हारे पास टोटल एन पार्टिकल्स हैं ठीक, अगर इन एन पार्टिकल्स को मैं दो पार्टिकल में डिवाइड करूं तो एन वन प्लस एन टू हम कह सकते हैं ठीक है। अगर मैं इसका निकालूं ओमेगा, तो जैसे मैंने तुमको पिछले बार में कहा था रैंडम वॉक में, जब आप निकालोगे तो एन वन का निकालोगे एन टू का निकालो सेम आ जाएगा। तो अगर मैं किसी एक का नतीजा निकालूं यहाँ पे, अगर मैं ओमेगा निकालने की यहाँ पे कोशिश करूं इस जगह पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं ओमेगा निकालूं तो एन इंटू एन वन फैक्टोरियल अपॉन एन वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन वन फैक्टोरियल ठीक। एक मिनट, यहाँ पे मैंने बात करी एंट्रोपी निकालने की। हाँ ठीक है, जब हम एंट्रोपी निकाल रहे हैं तो वो मूव नहीं हो रहा है, उसका म्यूचुअल इंटरैक्टिंग नॉन म्यूचुअल इंटरैक्शन है वहाँ पे। इसका मतलब वहाँ पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। वो दो पार्ट में डिफाइन है, या तो वो जीरो में है या तो वो एप्साइलन में है ठीक है भाई, सही पार्टिकल है। अगर हम सपोज कर लेते हैं कि एन वन पार्टिकल जीरो स्टेट में है और एन टू पार्टिकल एप्साइलन के स्टेट में है ठीक। अगर हम सपोज करें ऐसा, क्योंकि हमारे पास क्या दो एनर्जी लेवल गिवन है, एक जीरो है एक एप्साइलन है। अगर हम सपोज करें कि यहाँ पे एन वन पार्टिकल है, यहाँ पे भैया एन टू पार्टिकल है, इसका मतलब टोटल पार्टिकल हमारे पास कितने हैं, एन ठीक है। अगर हमारे पास टोटल पार्टिकल एल है, तो अगर इस तरीके से मैं यहाँ पे सोचूं तो हमारा नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप्स कितना निकलना चाहिए, नंबर ऑफ माइक्रोस्ट्रिप आपका होना चाहिए एन सी एन वन होना चाहिए। हमको कैसे पता, जैसे मान लो देखो मेरी बात समझो, यहाँ पे तुम ये मत सोचना कि हम क्लासिकल या एम बी या बी लगा रहे हैं, वो नहीं लगा रहे, मेरी बात सुनो। हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें कि हमने दो पार्टिकल्स को रखा, यहाँ पे एन वन रखा यहाँ पे एन टू रखा ठीक। अच्छा अब हमें कैसे पता, अगर मैं तुमको बोलूँ कि तुम मुझे किसी एक स्टेट के बारे में बताओ, कि तुम मुझे एन वन के स्टेट के बारे में बताओ कि वहाँ पे कितने पार्टिकल होंगे, तो आप क्या बोलोगे, भाई पूरे पार्टिकल में से इस पार्टिकल को निकाल दो, जितने पार्टिकल बचेंगे वो यहाँ पे होंगे। क्या बोल सकते हैं हम इस चीज़ को कि भाई इसमें से इतने पार्टिकल को निकाल दो, जितने पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे बचेंगे चुपचाप से। इसका मतलब एन सी एन वन हम लगा सकते हैं। अब एन सी एन वन वो तुम तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे ये आया ठीक। अच्छा अब इसके आने के बाद इसकी एनर्जी कितनी है, अब अगर तुमको मैं बोलूँ एन वन की एनर्जी कितनी है जीरो प्लस एन टू की एनर्जी कितनी है एप्साइलन इज़ टू एन ठीक, इसका मतलब ये तो जीरो हो गया प्लस एप्साइलन एन टू इज़ टू एन, इसको हम यहाँ पे कह सकते हैं ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एन नहीं, यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना हुआ, इसका मतलब यहाँ पे एन टू की वैल्यू क्या हुई, ई अपॉन एप्साइलन ठीक है। एन टू की मतलब एन एन टू की एनर्जी यहाँ पे क्या हुई, एन टू की एनर्जी वहाँ पे हुई ई बाई एप्साइलन ठीक है। अब तुम्हारे पास तुमको एक चीज पता है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल एन थे एन वन प्लस एन टू, तुमने दो पार्ट में तोड़ा। अब देखो एन टू की वैल्यू क्या है, ई बाई एप्साइलन है एन टू की वैल्यू। जब एन टू की वैल्यू ई बाई एप्साइलन है, उसके बाद सुनो, अगर मैं इसको इधर ला दूँ उसको उधर ले जाऊँ तो क्या बुरा है। अगर मैं यहीं से एन वन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, एन वन की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो मैं एन माइनस एन टू करें, इसका मतलब एन माइनस ई अपॉन एप्साइलन करें, गलत तो नहीं है। इसका मतलब आपका यहाँ पे एक एन वन की वैल्यू आ गई, एक यहाँ पे आपकी एन टू की वैल्यू आ गई इस जगह पे ठीक। अब ये दोनों वैल्यू आपके हाथ में है, इस वैल्यू को उठा करके इसमें डालो एन वन में। अभी इस वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर एन अपॉन एन वन की वैल्यू क्या निकाली हमने यहाँ पे, एन एन माइनस ई बाई एप्सिलॉन फैक्टोरियल इनटू एन माइनस एन वन है ना,
ठीक है, एन माइनस एन वन है, तो अगर मैं बोलूं एन माइनस एन वन, यहां से देखो तुम ध्यान से, एन माइनस एन वन, ठीक है, चाहो तो तुम वहां पे वैल्यू रख सकते हो एन वन की, या तो तुम डायरेक्ट रख सकते हो, क्योंकि एन माइनस एन वन तो तुम्हारा एन टू ही होगा ना, ठीक है, तुम यहाँ से एन टू की वैल्यू तुम सीधे पढ़ के रख दो, यहाँ पे ई बाई एप्साइलन, ये तुम्हारी एन टू की वैल्यू हो गई, ठीक। अब यही जो तुम्हारा निकला, इसको तुम उठा करके यहाँ पे रखो, तुम्हारा ये आंसर निकल जाएगा। अच्छा, अब तुम्हारे दिमाग में होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा, कुछ भी बात नहीं करी, कुछ भी नहीं करा, क्यों नहीं करा? देखो मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पे इसलिए बात नहीं करी क्योंकि आपको सिस्टम दिया हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वहां पर डिस्टिंग्विशेबल दिया तो हुआ है मगर वहां पे कंप्लीट तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है पार्टिकल के बारे में। जब पार्टिकल के बारे में कंप्लीट तरीके से डिफाइन नहीं किया हुआ है तो हम एकदम से एम बी बी या एफ डी नहीं लगा सकते। मैंने तुमको पहले भी कहा था कि पार्टिकल्स के बारे में जब पूरा डिफाइन करा होगा तो वहां पे एम बी बी और एफ डी नहीं लगेगा। और स्पेशली मेरी बात को याद रखो, जिस भी क्वेश्चन में एनर्जी लेवल का बात कर देगा, इसका मतलब वहां पे आप पार्टिकल को एनर्जी के हिसाब से जज करिए, अपने मन से आप जज उसको नहीं देखेंगे कि वहां पे वो क्या चल रहा है या फिर क्या नहीं चल रहा है। अब देखो, अब हमको यहाँ पे इसकी एंट्रोपी निकालनी थी, भाई सिंपल सी बात है, हमारे पास दो एनर्जी लेवल थे, एक हमारा एनर्जी लेवल जीरो का था, एक हमारा एनर्जी लेवल एप्साइलन का था, टोटल पार्टिकल हमारे पास एन थे, तो हमने सपोज करा ऐसा कि चलो यहाँ पे एन वन पार्टिकल होंगे, यहाँ पे एन टू पार्टिकल होंगे। अब वोमेगा निकालना है तो वोमेगा एन वन का वोमेगा, वोमेगा कैसे निकलेगा? सपोज दैट पूरे पार्टिकल में से, मतलब एन में से इतने इसको निकाल दोगे तो जितना पार्टिकल बचा वो तो जाहिर सी बात है वो यहाँ पर होगा। तब हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया कि एन सी एन वन, मतलब एन में से एन वन को निकाल दो तो तुम्हारे एन टू पार्टिकल्स यहाँ पे बच जाएंगे। अच्छा, अब इसको मैंने खोला, इस वाले फॉर्म में आ गया। अब सुनो, एन वन और एन टू तो तुम्हारे दिमाग की उपज है ना, तुम इस पे तुम आंसर कैसे लसन लिख सकते हो? एन वन और एन टू तो तुमने सपोज करा ना कि भाई यहाँ पे एन वन पार्टिकल होंगे, यहाँ पे एन टू पार्टिकल होंगे, क्वेश्चन में तो कहीं एन वन और एन टू मेंशन नहीं है, इसलिए हमको एन वन और एन टू हटाना भी तो पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करा हमने? एनर्जी लेवल का इस्तेमाल करा। टोटल एनर्जी उस पार्टिकल की कितनी होगी? टोटल एनर्जी उस सिस्टम की एन वन में जीरो एनर्जी है, एन टू की एनर्जी एप्सिलॉन है, ये होगी उसकी टोटल एनर्जी। इसका मतलब यहाँ से हमारा एन टू की वैल्यू निकल के आ जाती है, इसकी एनर्जी बाय एप्सिलॉन, ठीक। अच्छा, जब आपका एन टू निकल के आ जाता है तब मेरी बात सुनो, एन वन एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू है, जब एन इज इक्वल टू एन वन प्लस एन टू है तो यहाँ से अगर हम एन वन की वैल्यू निकालें तो यहाँ से ये निकल नहीं आएगा, ठीक। ये तुम्हारा एन वन निकल गया, ये तुम्हारा एन टू निकल गया, ठीक। अब ना तो ये एन वन के फॉर्म में है ना तो ये एन टू के फॉर्म में, इस इन दोनों वैल्यूज को उठा करके हमने अपने वोमेगा वाले वैल्यू में रख दिया, हमें एक ये फॉर्म मिल गया। इसमें देखो, इसमें एन है जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवेन है, एप्साइलन है, ई है जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में गिवेन है, मगर इसमें कहीं पे एन वन और एन टू का फॉर्म नहीं है, ठीक। इसलिए हमने ये तरीका इस्तेमाल करा इसको सॉल्व करने के लिए, यहाँ पे डायरेक्ट हमने नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लेवल का उसने बात करा था। अब सुनो, तुम्हारा ये निकल गया ओमेगा, तुम्हारा एंट्रोपी कितनी निकलेगी? के लॉग ओमेगा होता है, मतलब के एल एन, यहाँ पे ओमेगा कितना होगा? एल बाय एप्साइलन फैक्टोरियल, ये आपका हो गया एंट्रोपी, इस सिस्टम की टोटल एंट्रोपी आपकी ये निकल है। ये क्वेश्चन आपके वाई के लेम का है, ये क्वेश्चन मैंने वाई के लेम से उठाया करने के लिए। आप वाई के लेम में जाओगे तो इस तरीके के आपको कई क्वेश्चंस मिलेंगे, इवन सीनी में भी इस तरीके के आपको कई कई मतलब कई क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक। चुपचाप सॉल्व करो, पढ़ो, अपने आप से निकल करके आएंगी। मेरे तरफ से तुम्हारे लिए इतना सफिशिएंट था जितने भी टाइप्स आ सकते थे इस माइक्रो कैनोनिकल एग्जाम्पल में, वो तुमको मैंने बता दिया। ध्यान रखो, पूरा खेल केवल माइक्रो स्टेट निकालने का है, इसको निकालने के लिए आंख दिमाग सब खुला रखो, ऐसे हवा में तीर मत चलाओ। इसीलिए मैंने हमेशा बोला है स्टैट मैप पे तुमको लैंग्वेज बहुत मैटर करती है, पूरी लैंग्वेज आप पढ़िए, एक बार नहीं दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए। अब आप मुझे बोलोगे कि मैम वहाँ पे जितना प्रेशर होता है, वहाँ पे इतना टेंशन होता है, वहाँ पे इतने आराम से बैठ के उसकी लैंग्वेज थोड़ी पढ़ेंगे? भाई
भाई इसीलिए तो हम कह रहे हैं प्रैक्टिस करो, जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करो। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप इन्हीं लैंग्वेज इन्हीं वर्डिंग के हैबिचुअल हो जाओगे, तो आप वहां देख करके पकड़ लोगे। आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा चीजों को सॉल्व करने में, ठीक। इसकी आप एक एक वर्डिंग्स को ध्यान दीजिए, पढ़िए ध्यान ध्यान से कि वो क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में, उसके बाद पेन उठाओ फिर पूरा सॉल्व करो। आपको सही तरीके से सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक। मेरे तरफ से आपको मैथमेटिकल एग्जाम ओवर होता है। क्वेश्चन सॉल्व करिए इसके, सिनी और वाइकल में क्वेश्चंस के बारे पढ़े हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे कैनोनिकल एग्जाम्पल के साथ, ठीक। टिल देन।